हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाय पास स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे सुबह 5 बजे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीटी के बेसिस पे जितना भी जीके हो सकता है सारा डिस्कस किया जा रहा है, चाहे आपके सब्जेक्टिव पार्ट से हो चाहे आपके जीके के पार्ट से हो। टोटल आपको हर दिन क्वेश्चंस मिलते हैं 20 सवाल। सुबह 5 बजे ये सेशन आपके रिकॉर्डेड मोड में होता है, बट 7 बजे का जो क्लास होता है वो आपका लाइव सेशन चलता है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूला करिए। रीजन बीइंग, वहाँ पे आपको क्विज का कोड भी मिल जाता है, तो एक तीर से दो शिकार होते हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस दैट क्लास। चलिए, अच्छा, और हाँ, दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली टिल थर्सडे और फ्राइडे कलर चेंज हो जाएगा। चलिए, अच्छा, पहला सवाल। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना, वीडियो को पॉज किया करो, आंसर किया करो, एंड देन प्रोसीड। पहला सवाल, गुरु ऑफ कबीर, कबीर के गुरु के रूप में किसको जाना जाता है? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? रामानंद जी को जाना जाता है गुरु के रूप में। कई बार पूछा जाता है विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करके बताओ। ध्यान रखना, जितने सवाल हम आपसे पूछते हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा जरूर करिए। अगला क्वेश्चन, डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद का नाम आता है ना, आपको बताना है यहाँ पर कि जो डायनेस्टी थी वो किसकी थी। आंसर क्या हो जाएगा? सैयद डायनेस्टी थी। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट समझना, कई बार पूछा जाता है जैसे कि मान लीजिए इल्तुतमिश के बारे में या कुतुबुद्दीन के बारे में या फिर कुतुब मीनार के बारे में, तो इनके बारे में भी जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने हिस्ट्री के नोट से एक बार कवर ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बनाया किसने था, तोड़वा के बनाया किसने था, या फिर इसका कुछ रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के सवाल जो है ना वो बन जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मिल्की वे क्या है? ये गैलेक्सी है। आपको बताना है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई, तो भैया न्यूटन तो इसकी खोज करेंगे नहीं, आंसर क्या होगा? गैलीलियो। अच्छा, एक चीज़ और, गैलीलियो से याद आएगा, सी ऑफ गैलीली जो है वो आपके इसराइल के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, टू विच गणा राज्य गौतम बुद्ध बिलोंग टू, ये जो थे वो किससे यहाँ पे संबंधित हैं, आपको ये बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य। देखो पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है ना, वो मैक्स ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आर्ट एंड कल्चर से हैं। ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी ऐसे ही सवाल बनते हैं। अगला सवाल, इसमें से कौन सा यूनेस्को की साइट नहीं है जो कि तमिलनाडु के अंदर है? तो पहला तो देखो लिखा है हम्पी, दूसरा लिखा है महाबलीपुरम, तीसरा लिखा है पतादल, और यहाँ पे चौथा क्या लिखा है यहाँ पे? चंपानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क। आंसर क्या बनेगा भैया? इसका क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हम्पी। बेटा हम्पी जो है ना वो कर्नाटका के अंदर है। कहाँ है? कर्नाटका के अंदर, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और हम्पी के साथ साथ यूनेस्को में टोटल कितनी साइट आती हैं? 38 साइट्स आती हैं। अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज मैक्सिमम ऑन, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे अधिक कब होती है? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सन है ये अर्थ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एपीहीलियन। क्या कहते हैं? एपीहीलियन, यानी कि अपसौर। और जब ये कम हो जाती है तो इसे हम कहते हैं पेरिहीलियन, यानी कि उपसौर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? 4th of July। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो मिनिमम कब होती है, यानी कि पेरिहीलियन की कंडीशन कब आती है? कमेंट सेक्शन में आंसर। अगला, चकन गान नगाई ये क्या है? ये एक फेस्टिवल है, आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जैसे चापचर कूट हो गया, कूट फेस्टिवल हो गया, या आपका लोसार फेस्टिवल हो गया, पोंगल हो गया, ओनम हो गया, ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये तो पढ़ाया ही नहीं है, ये तो नया है। इसका आंसर मणिपुर। मणिपुर इनके अंदर ही ऑरेंज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, कंफ्यूज मत होना नागपुर से, ऑप्शन में नागपुर लिख के ज़रूर आएगा और आधे से ज़्यादा नागपुर मार्क करके आएंगे, बेटा मणिपुर आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल, विच इज़ द ओल्डेस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे पुराना भूकंप, यानी कि अगर हम भूकंप कह रहे हैं यहाँ पे, ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? माउंट इटना। क्या मुझे बता सकते हो ये माउंट इटना कौन सी कंट्री में है? ईजी क्वेश्चन, आंसर बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अगला, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ मर्करी, मर्करी जो है, जो बुध है, जो आप अगर देखेंगे तो सूर्य के बाद जो सबसे पहला ग्रह आता है, सबसे छोटू सा जो ग्रह आता है वो कौन सा है? मर्करी। कितनी सैटेलाइट है? 0 है भैया, इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं आपको देखने को मिलते। और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, मर्करी जो है
वो स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ सबसे तेज़ी से चक्कर भी लगाता है। अगला, विच सूफीज दरगाह इज एट अजमेर, अजमेर के अंदर कौन सा सूफी दरगाह देखने को मिलता है। अजमेर कहाँ है, राजस्थान। अब आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, मोइनुद्दीन चिश्ती जी का जो दरगाह है वो आपको यहाँ पर मिलता है। अगला सवाल, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये आपको यूनेस्को की साइट है, कौन से भारत के राज्य में आपको मिलेगी। देखो चोला है ना, चोला है छोला नहीं, पता है सुबह 5 ही बजे खाने की भूख भूख लगना शुरू हो जाए, छोला भटूरा मिल जाए तो बात ही क्या है ना। आंसर विल बी तमिलनाडु, चोला डायनेस्टी आप देखोगे तो आपको साउथ में ही मिलेगी। अगला सवाल, स्पेसिमेन ऑफ काव्या स्टाइल, सवाल में पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा यहाँ पे मॉन्यूमेंट है या फिर टेम्पल है जो कि काव्या स्टाइल में है। यूजुअली ये सवाल नहीं आता है, बट हाँ आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ये क्वेश्चन बना हुआ था, वहाँ से ये सवाल निकाला है। यूजुअली पूछते हैं नागारा स्टाइल के टेम्पल्स कहाँ पर हैं, ये नॉर्थ में, एन फॉर नागारा, एन फॉर नॉर्थ। और जो आपका साउथ है वहाँ पे आपको द्रविड़ियन स्टाइल के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, खेतवा। ठीक है, अगला, कुषाण रूलर पेट्रोनाइज बुद्धिज्म, आपको बताना है इसमें से कौन से कुषाण रूलर थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया है। ईजी है यार, चौथा वाला जो काउंसिल हुआ था कौन है, कनिष्क है। कहाँ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो साम्राज्य था वो इन्हीं के पास में था। ठीक है, याद रखिएगा AK, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई आपको 4 काउंसिल देखने को मिलती हैं। सबसे पहली वाली अजातशत्रु हो गई, उसके बाद काला अशोक, देन अशोक, देन आपका कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फेमस सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर, आपको बताना है सेटल इन दिल्ली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किसके समय पर ये भारत के अंदर दिल्ली में आके रहे थे। भैया सूफी सेंट हैं, सूफी सेंट के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं तो ध्यान रखना, अकबर के टाइम पे ही आए थे। अगला सवाल, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार, बिहार का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो जाके क्या करते हैं, स्टे करते हैं, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा जाके रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, वो वैसी वाली जो जगह होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाला इज द करेक्ट आंसर। चलिए अच्छा, अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया चापचरकूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, मार्च में आप देखेंगे 6 मार्च को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था जिसका नाम है चापचरकूट, स्टेट क्या हो जाएगा, मिजोरम बनेगा। अगला, पेंटिंग फ्रेस्को स्टाइल की जो पेंटिंग है वो आपको कहाँ पे मिलती है, तो अजंता की गुफाओं में, कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, कौन से धर्म से जुड़ी हुई है, तो बौद्ध धर्म से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला, विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ रिटन भारत दर्शन, भारत दर्शन यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, भारत तेंदु के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ, हॉर्नबिल फेस्टिवल, भैया ये तो ईजी क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे ही आंसर कर ले जाओगे, कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में, बट अभी पहली बार कहाँ पे मनाया गया, तो त्रिपुरा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पंच महल कहाँ पर लोकेटेड है, जैसे कि होता है ना कई बार पूछ लिया बीवी का मकबरा कहाँ पर बना है, ताजमहल तो नहीं पूछेगा बट फतेहपुर सीकरी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी इज द करेक्ट आंसर। 20 में कितने करेक्ट करते हो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करो। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सुबह 7 बजे आपका लाइव सेशन होता है जिसमें क्लास के बाद में आपको टेस्ट का कोड मिलता है, तो क्लास आपके लिए ज़रूरी है, उसे भूला मत करो, ज्वाइन किया करो लाइव सेशन में ही। अगला 10:30 बजे आपका अभी स्टैटिक का क्लास चल रहा है, लाइव देखो, बाद में देखो, जब आपकी इच्छा है तब आप देखो, दिस इज़ अप टू यू, बट मैं तो यही कहूँगी लाइव देख के ख़त्म करो। और दोपहर में 2 बजे जनवरी से लेकर September 2020 तक का करेंट अफेयर्स चल रहा है, अन अकेडमी के फ्री क्लास में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, न्यू बैच साइंस का नया बैच शुरू हो चुका है फॉर SSC एंड रेलवे। अगर रेलवे वाले बच्चे हैं तो 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनको साइंस के भी क्लासेस मिल जाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे क्लासेस वो 3 महीने में देख पाएंगे। कोड विल बी Krithi10। इसके अलावा आपके जो SSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नया बैच शुरू है साइंस, जिसमें साइंस के बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन मतलब सारे सब्जेक्ट GS के हम पढ़ाएंगे, तो वो लोग 1 साल के लिए अवेल करेंगे। कोड क्या है, Krithi10। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय एंड टेक केयर।